गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? हम भी बढ़िया, मज़े में। अपनी झोपड़ी में जिंदगी मस्त कट रही है भाई। कष्ट काट रहे हैं तो ठंडा तो रात को होता ही है। देखिए, ऐसे सब सामान वामान लटका हुआ है, इधर कपड़े लगते हैं, ऐसे सब जो है पूरा फैले हुए हैं, इधर भी वैसे ही। और हमारा सुबह खाना बन के तैयार हो गया भाई आज थोड़ा, क्योंकि हम रोज़ लगभग गोभी ही खाते हैं, गोभी, मटर, टमाटर, और ये सीज़न की सब्जी है। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई हर दिन गोभी ही खाते हो क्या? तो मेरी मतलब मानना यह है कि आप सीजनेबल सब्जियां ही खाएं, ज़्यादा बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि सीजन की जो सब्जियां आती हैं उसमें थोड़ा पेस्टिसाइड वगैरह कम मिला होता है। बाकी नॉन सीजन की सब्जियां कम से कम खाएं तो बेहतर होगा। तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ, जो सीजन में बहुतायत में अवेलेबल होता है वही सब्जी मैं बनाता हूँ और वही खाता हूँ। तो आज गोभी, टमाटर, आलू, मटर की सब्जी बनी है और 4 रोटियां बनी। भैया खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। आज तो काम उधर वाला बंद ही है, इधर वाला चल ही रहा है। बाकी आपको दिखाते हैं कितना काम हो गया आज। ये देखिए, मस्त आलू और गोभी, टमाटर की आज हमने सूखी सब्जी बनाई। हर बार मसालेदार बनाते थे सब्जी, और ये 4 रोटियां अपनी बना दी भैया। ये देखिए, 4 रोटी बन के तैयार, सब्जी बन के तैयार, खा पी के एकदम टनाटन। भैया 2 महीने 3 महीने बाद हमारी वाइफ आ रही है हमारा घर देखने के लिए। बेटी बिटिया भी आ रही है, रिश्ता भी आ रही है, वाइफ भी आ रही है। मैं उनको लेने के लिए आ गया हूँ भाई रोड पे, और पीछे जो पहली बस आने वाली उसी बस में लोग उतरने वाले हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है, बस दिखने लग गई भाई। ये देखिए, बस दिखने लग गई ना, अब ये किनारे लग जाएगी बस। ये ओ भाई, इतना तेज कहाँ उतार दो यार। बाप रे, इतना स्पीड, हाई स्पीड में लेके जा रहा। हालो, 100 की स्पीड में लेके जा रहा है। बोली नहीं थी क्या उतर रहा है? अरे बोली तो ड्राइवर तब तक थोड़ा बढ़ा दिए है। अरे यूपी 32 ढाबा तो वहां चला गया ना, तुम लोग पीछे उतर गए। चलो, यही रोका है तब तक स्पीड बढ़ा दिया, हम हाथ दिए तब रोका है। नहीं, मैं खड़ी थी। हे रिशु, कैसी है? है? आ गई? चल 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 चल, घर देखना कैसा बन रहा है। देख के बताओ कैसा बन रहा है। टॉयलेट वाला ना? समरसेबल इधर नीचे। कौन सी ना, वो नहीं, रिसोर्स पे पैर ना रखना। ये पूरा जोड़ उठे था बैठक में जाने के लिए। ये दीवार पूरी जोड़ी हुई थी ना, जोड़ दिए थे इसको। देखो बैठक सही है। हमें क्या, हमें पहले में बात कर रहे कहो कि झील लग रहा है। छोटा छोटा जितना वहां का रूम है, लंबाई चौड़ाई समझो उतना है। उतना है ना, थोड़ा लंबा है ये, थोड़ा चौकोर में है ना। SES की होगा 13 फीट होगा, SES की होगा इस तरह से जो है 10 फीट होगा, थोड़ा कम हो गया है। मतलब चाहते थे कि 1 फीट बढ़ा सकते थे, लेकिन अब नहीं बढ़ सकता। अगर ये दीवार जो है, जो पिलर है, जो नीचे बीम पड़ा है, ये बीम अगर इस साइड होता, यहाँ से इधर होता ना, तो ये दीवार खिसक के इस कोने आ जाती, बस इसके बराबर रहता, इस कोने आ जाती, थोड़ा बड़ा हो ये जाता। क्या है? एक बेडरूम? कुछ नहीं, हॉल है ये। तुम्हारा किचन वहाँ हो गया, ये पूरा खुला एरिया। ये चौड़ा लग रहा है, वो पतला लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ चौड़ा है, तो इसको 1 फीट का अंतर खाली। ये 11 फीट हो गया उधर। एक फीट मतलब यही ना, यही कह रहे हो? ये इसके बराबर है इसको आप करवा
हाँ इधर होता तो बराबर हो जाता वो, और ये दोनों बराबर हो जाता, नहीं इधर वो ना बड़ा ये हो जाता है, थोड़ा छोटा हो इतना जाता, रहेगा अब नहीं बदल सकता ना वो, अब कहाँ बदलेगा, बीम उसके कैसे लिए बदलेगा। बीम इधर ढालना पड़ता ना, वो सब पहले कर सकते थे, चलो उधर हो गया। अब थोड़ा छोटा हो गया तो क्या है। अब देखो ये रूम है, ये रूम देखो ये वाला, बनाना चाहे तो आप इसको भी रूम ही बना सकते हैं, क्या करेंगे हाँ चाहे तो रूम बना तो सकते या हो, क्या करूंगी, किचन अपना ये सेपरेट रहेगा उसके बगल में, चाहे तो रूम बना सकते हो, हाँ एक आध बेड वोड तो लगा ही सकते हो सर किनारे वैसे वहां, भी लगा सकते हैं अगर नहीं। यहाँ खुला एरिया नहीं छोड़ो तो वहां बेड लगा सकते हो, लेकिन क्यों बेड लगाना, इसको खुला रहने दो, आराम से 3x6 का आ जाएगा उसमें, ये बेडरूम बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, ये भी और उधर वाला भी। हाँ है हाँ, ये अभी सुबह अभी तुम्हारे आने से पहले इतना पेंट किया है ये वाला एरिया, ये नीचे से लेके यहाँ तक अभी पेंट किया, ऊपर वाला रह गया अभी, प्राइमर इतना ना, हाँ प्राइमर है इसमें, जंग नहीं लगता ना। ये बाथरूम है टॉयलेट कंबाइंड वाला, तो उस साइड उधर रूम है, उधर भी टॉयलेट बाथरूम, हाँ उधर घर यो का कमरा अलग है, वो वाला रूम बड़ा है, कौन उधर सा बड़ा है, कैसे जाओ देखो इधर से भी है। और क्या, कैसा रिसु, तुम किस में बराबर रहोगे, है, किस घर में, ऊपर है, किस वाले में रहोगी सबसे ऊपर, अरे खिड़की इधर वाले में उधर वाले में, अभी ऊपर जब बनेगा देखो तो नहीं बाद बड़ी में, लग रही तुमको इसमें, ये वाली बड़ी लग रही इधर, ये 13 फीट हो, 12 फीट है, एक कहाँ फीट है उससे 1 फीट ज्यादा है, ये, वो एक अच्छा फीट अच्छा छोटा है 1 फीट ये बड़ा है, अच्छा अब सही लग रहा है, बेडरूम बड़ा होना चाहिए ना, इसमें अलमारी अलमारी नहीं बनवाऊंगी, अलमारी उलमारी बाद में बनती है आजकल, किनारे बनेगी वो सब सेट होता है नए तरीके से। सब एक साथ था क्या, हाँ एक में था, बहुत गढ़ू था वो, कम से कम 130 किलो का था, 1 क्विंटल 30 किलो का था वो, बड़ी मुश्किल से उठ के आया है वो। ये आंगन है, हाँ ये तुम्हारा आंगन, सीढ़ी कहाँ लगी है, सीढ़ी रहेगी बाहर, सीढ़ी आगे रहेगी, हाँ वो है ना, कैसा है बताओ, बहुत अच्छा है है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अभी तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, जब पूरा कंप्लीट हो जाए मत तो छुआ बढ़िया उसको, और लगेगा है ना, विशु देखो इंस्पेक्शन हो रहा है आया इंस्पेक्शन करने हाँ। है? चलो आप कह रहे थे आ जाओ तो आ जाए अभी अभी बाइक चलाने जा रहा हूँ तो देख रहे हैं कितना प्रोटेक्शन पहनना पड़ रहा है, ये मंकी कैप टाइप का पहन लिया हूँ, और इन लोगों को ले जा रहा हूँ रहमत नगर वाले ढाबे पे ले जा रहा हूँ, मतलब रहमत नगर भी वाले प्लॉट पे, दिखाने कि वहाँ पे कितना काम हुआ है, तो आइए चलते हैं रहमत नगर वाले प्लॉट पे, इनको दिखाते हैं कितना काम हुआ है, कैसा लग रहा है टोपी, अजीब सा एक तो टोपी लग रही है, मास्क सबसे भी है बढ़िया मैं, इसमें हाँ रिसु क्या बोलती है सबसे बढ़िया मैं, सबसे बढ़िया रीसू का, अबे हवा लगे कान में, चैन बंद करो, चैन बंद कर लो फटाफट। ये देखिए रहमत नगर वाले प्लॉट पे हम लोग आ चुके हैं बारिश शुरू हो गया, चलाओ चलाओ पानी दे रहा रिसु, हाँ कम दे रहा है, कम दे रहा, चलाओ तेज, बहुत पानी देता है, कितना बढ़िया पानी चाहिए, देखिए देखो मिट्टी उट्टी बराबर कर दिया, थोड़ा सा सही लग रहा है, नहीं तो एकदम जंगल लग रहा था पूरा, गरम गरम आ रहा है, गरम गरम आएगा ही पानी, देखो स्वाद कैसा है, ठीक देखो पानी साफ जमीन के नीचे का आ रहा है, पी के देखो तुम कैसा है, जरत है मतलब ठंडा पानी नहीं है, गर्म है और नहा भी, अरे तो नलके का पानी तो गर्म रहेगा, कल इसमें काम शुरू करवाएंगे, आओ बताएं क्या करना है, अब देव सही लग रहा है ना, अरे इनका हम झूठे साफ करा दिए, फालतू तो पैसा खर्च करके, इसमें भी जंगल ऐसे जैसे लोक में झाड़ी होगी है ना, हैं
जैसे इनके भाई झाड़ी होगी है इधर ही है, ऐसा झाड़ी इसमें भी था, इधर भी था झाड़ी, हम इधर भी साफ करा दिए थे, हम कहे कि चलो इधर भी अपना जो है खेती बाड़ी कुछ हो जाएगी, ये साइड में ना बिना घेरे कुछ नहीं है, सब नीलगाय खा जाएंगे सब, इसमें कुछ नहीं है, सब पूरा खोदवा खोदवा फेंकवाए हैं, देख रही हो, मना कर दिए। मना क्या किए, मतलब ना नुकुर किए कि पैसा नहीं है, ना पैसा नहीं है मतलब ही ना नुकुर ही, मतलब वही होता है ना। अब सही है, मिट्टी डालने सही लग रहा है ना, नहीं तो उसके बिना तो बेकार लग रहा था, बाव क्या निक लगा ला। या भाई कुछ है ना, नहीं तो ट्रैफिक भी नहीं है रेलवे का, और हल्ला गुल्ला भी नहीं, एकदम सन्नाटा, जितना वहाँ शोरगुल उतना है सन्नाटा, एकदम डबल है जस्ट उल्टा। ये देखो कमरा बनेगा, ये दीवाल यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी ये दीवाल, ये वाली और ये वाली दीवाल यहाँ से आ जाएगी, इस पे कमरा बन जाएगा रहने वाला, और ये पूरा जो है ये यहाँ पे दीवाल आगे चली जाएगी, लेकिन ये दीवाल उठेगी नहीं, ये खुला रहेगा आगे, ये बंद हो जाएगा, इस पे खिड़की लग जाएगा, इधर दरवाजा लग जाएगा यहाँ पे तुम्हारे बगल में उधर, और उधर एक छोटी छोटी खिड़कियाँ उधर पीछे साइड में लगा दूंगा, पछुआ छुआ हवा हवा लेने के लिए, एक इधर खिड़की लगा दूंगा, एक बंद कमरा एक ये खुला, मतलब सेट पूरा रहेगा उस किनारे से लेके और इस किनारे तक पूरा सेट रहेगा, पूरा 25 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है करकट रख उठेगा पूरा है, आगे खुला रहेगा। तो इसमें यही बोले हैं कि 2-3 पेड़ लगाना है ना, छायादार जो है किनारे किनारे, 1-2 2-3 पेड़ इधर, 2-3 पेड़ इधर, और बीच में आने जाने का ईंटा बिछा के रास्ता हो जाएगा, और नलका है ही, उधर गेट लग जाएगा, ये पूरा बाउंड्री ये ऊंची हो जाए, अभी इतने ऊंची और करेंगे इसको, जितना है ना सिर के बराबर इसको ऊंचा और करेंगे खोपड़ी के बराबर। हाँ भी नहीं घुस पाएंगे, लेकिन है कि आदमी तो घुस ही जाएगा। हाँ वही सिर के बराबर कर देंगे, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा नहीं, और उसको भी सिर के बराबर कर देंगे। उनके बगल में आने सर हाँ। हाँ सब जंगल है देखो। सरासर कह रहे कोई आपके यहाँ रहने लग जाएगा तो हम इसमें ट्रैक्टर जाने का गेट लगा देंगे, इसी में अपना कुछ भी बोवा दीजिएगा, हाँ सरसों वरसों लगवाना है जो भी लगवाना लगा दीजिएगा इसमें, सही ना। अभी ये 2000 ईंटा देखो इतना जोड़वाए हैं, इतना हुआ है ना, हैं 2000 ईंटा पूरा इतना और चढ़वाएंगे तो इसका डबल ऊंचा हो जाएगा, हैं कहो तब तो ईंटवा कम पड़ेगा। हाँ वो कम है, हैं अभी उतना ना उसका आधा हो चुकी, 1000 ईंटा और मंगवाना पड़ेगा, 2000 ईंटा तो इसी में खप जाएगा, या गाँव कम पड़ेगा, गाँव गेट लगवाओगे ना, बहुत ईंटवा जोड़ना पड़ेगा ना, गेट के लिए जगह 2000 ईंटा और मंगवाना पड़ेगा, वो किसके, वो किसी और का, या तो बाउंड्री थोड़े उठाएं, ज्यादा बाउंड्री नहीं, जितना लदवाना उतना नहीं, हाई बाउंड्री है, बगलिया बगलिया वाली, इसको ज्यादा ना ऊंचा करें, फिर थोड़े रहने दें, जितना उनका बाउंड्री होता ना रहेगा ना, अरे ऊंचाई मतलब ऊंचा ज्यादा ना करिए, ज्यादा ऊंचा नहीं करेंगे तो आदमी कूद उद के चला आएगा ना दीवार पे चढ़ के, हैं जितना उनका उतना करवाइए, नहीं अगर ऊंचा नहीं करेंगे तो इधर से दिवालिया चढ़ के कूद के चले आएंगे लोग ना, अरे अपने सिर के बराबर जितना है उतना रद्दा और जोड़ा पड़े इतना, तब तो ईंटवा कुल खत्म हो जाएगा, 2000 ईंटा में देखो इतना जोड़ा गया है, 10 रद्दा है, हमें लग रहा है कि 1000 ईंटा कम पड़ेगा, 10 नहीं तो 8 और जुड़वा के, चलो देखेंगे। देखो भैया हमारे साइट इंजीनियर है भाई साहब, उत्तराखंड से, हरिद्वार से, जय हिंद जय भारत, ठंडी बहुत लग रही इनको। यार हम कौसानी में कमर बराबर बर्फ में घूमते तब भी नहीं ठंडा लग रहा, आप सिकुड़ काहे रहे हो इतना। आजकल ठंडी ज्यादा हो रही है, तो इन्होंने हमारे प्लॉट में मिट्टी डला दी, थोड़ा बहुत कम है, वो डल जाएगी तो फिर काम पूरा अपना हो जाएगा, तो ही दिखाने के लिए आए हैं कि भैया देख लो जरा, कल तो मिट्टी बराबर करा दी थी हमने सारी, एक दो, लोग, दो लोगों से ही हो एक दोपहरिया में हो गई थी, 12 बजे आए थे, शाम तक हो गई 5 बजे तक। हाँ, तो हो गया।
ये इधर इधर पूरा खाली रह गया है इस साइड को भाई, इधर कोने मिला के डाल देगा, कहीं बीच में डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे, बीच में डाल देंगे, साइड में आ जाएगा बस। अभी बाउंड्री करा लो, बीच में डाल देगा वो। कहाँ बाउंड्री? ये वाली नहीं, आप बीच में डलवा दो ना, बीच में डलवा दो, फिर हम बराबर जो मट्टी उधर पड़ी रहेगी खींच खांच के अपना अंदर कर लेंगे, इधर बराबर कर लेंगे, बाउंड्री लास्ट में डालेंगे हम इधर आगे ना, जब गेट लगाना होगा तब। हेलो भैया, इन लोगों को कुछ खिलाने के लिए जो है गंगागंज लेके आए, और हमें पता ही नहीं था कि इतनी झमाझम बारिश होगी यहाँ पे, देख रहे पूरा एकदम झमाझम बारिश हो गया भाई, और हम तो हल्का फुल्का भीग भी गए, और वहाँ क्या हो रहा है, दीवाल वाल भी जोड़ा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा ही आज जोड़ा था, जोड़ाई किया था, वो सारा नुकसान भी हुआ होगा, ढका है कि नहीं ढका है, पॉलीथीन वगैरह तो सब उसमें छप्पर के अंदर रखी थी, अगर ढक दिया होगा तो बच जाएगा, नहीं ढका होगा तो सारा बह गया होगा पानी से। अब रहते तो थोड़ा बहुत इंतज़ाम करते, वहाँ पर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत तो है ही भाई। हे भैया, भीगते भागते जो है मोटरसाइकिल वाइकल बुलेट उलट छोड़ के हम लोग चले आगे, क्या करें जो है, बारिश अभी भी हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन इस बारिश में बाइक से आना जो है बड़ा ख़तरनाक था, हमने वहीं पर बाइक खड़ी कर दिया, पार्क कर दिया, हेलमेट भी रख दिया, और पैदल ही हम लोग चले आए। अब चल के देखते हैं कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कैसे क्या हुआ है। ये लोग तो सीमेंट उमेंट ढक उक दिए हैं, हो सकता है भाई हमारे यहाँ भी ढके होके हों, बहुत सारा काम धाम चल ही रहा था, और अभी भी देखो गरज रहे हैं, पूरा पानी पानी हो गया। अरे बाप रे, तो बाढ़ आ गई है सोनी, किधर से चलोगी, आओ देखो मजा है, अब ऐसे तो हम भी सोच रहे हैं, आओ जल्दी, तेज हो रही है फिर से बारिश। ये देख रहे हैं पूरा रास्ते में पानी भर गया भाई, इतनी बारिश हुई है झमाझम वाली, ओह माय गॉड, देख रहे हैं। और उधर मौसम भी खुलने वाला है, है? देखे क्या हाल है, ढका ओका तो है भाई, जनरेटर वनरेटर सीमेंट वमेंट, बाइक छोड़ के आ गए थे, अब देखते हैं यार कोई टेम्पो वेम्पो मिल जाए तो जाएं गंगागंज बाइक लेके आए, एक टेम्पू हरा वाला आ रहा है, शायद इसी में बैठ जाएंगे हम, अब बाइक लेके आनी पड़ेगी, इधर से 20 रुपये, 50 आने का, 20 जाने का खर्चा करना पड़ेगा। ए भैया रोक दे जरा। तो हो गई है रात, और यहाँ पे देखिए झोपड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, और इधर हम खाना बनाने की भी तैयारी हो रही है, हमने थोड़ा बहुत हमने किया, आस पापा कह रहे चुपचाप बैठो हम बनाते हैं आज। बनाने में लगे हुए, ये देखिए, तो ये बनाने जा रहे हैं, हमारा तो रोज ही का काम है बनाना और खाना। और हमने कहा लाइए आज हम बनाते हैं, कह रहे हैं नहीं चुपचाप बैठो, क्योंकि आज बारिश हो गई, हम जिस टाइम पे आए कि बहुत ठंडा मौसम हो गया, कह रहे हैं कि नहीं बैठो चुपचाप हम बनाते हैं। इधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गोभी काट दिए हैं, मटर आलू, अब सब्जी बनाएंगे ना, खा सब्जी रोटी वोटी। बाहर हो गया अंधेरा, थोड़ा सा आग जलाए थे, आग बुझ गई है, पैर वैर सेक लिए हैं, अब खाना बनने जा रहा है। और इधर रिशिता हैं, चॉकलेट खा रही हैं, और हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम भी आटा वटा लगाएंगे और सब्जी वब्जी बनेगी। इनको भागम भाग दौड़ लगाना पड़ रहा है। ओ, ये काहे पानी डाल रहे हैं, ओहो ऋषिता का नाश्ता बनेगा, ये मैगी बनने वाली है, रिशु की जिद के वजह से कह रही है मुझे मैगी खाना है ना, रिशु क्या खाओगी, मैगी खाना नहीं खाओगी, इधर देख के बताओ ना, फिर मैगी खाऊं, अच्छा मैगी खाएं, कंबल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आया है, हाँ नहीं नहीं कंबल ओढ़ के मजा आ गया, क्यों
ये देखिए हमारी इस गरीब झोपड़ी में आप सभी का स्वागत है मेहमानों का और इनके लिए बनी है मैगी। दावत है अभी ये स्टार्टर है और मैगी खाने के बाद जब मैगी खा लीजिए आज आराम करिए। आज हमारे मेहमान है, आज हम खाना बनाएंगे। मेहमान नहीं है आज देखिए ये थोड़ा बैटरी जो है इशू हो गया है क्योंकि दिन भर धूप नहीं हुई है। ये बैटरी जो है 11.1 वोल्ट है और बैटरी जाने वाली है भाई। तो सब्जी उब्जी काट के तैयार कर दिया है, आलू गोभी टमाटर मटर, और ये कढ़ाई धो लेते हैं। इसी में फिर जो है दूध दूध भी आ गया है आज देखिए, और कुछ बन वन भी लाए हैं सुबह के लिए, फटाफट बनाते हैं भैया, इन लोगों को खिलाते हैं और फिर चुपके से क्या निकलेंगे। ये लोग जो है यहीं रहेंगे शायद आज रात, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। सुबह चले जाएंगे, मॉर्निंग में उठ के बरस आ गया, बाढ़ आ गई, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। और आज तो कल सुबह जाएंगे वही 9-10 बजे। मम्मी को भी खिलाना मैगी अकेले ना खा जाना। नहीं मम्मी पापा सब खाएंगे, हम भी खाएंगे थोड़ा। ठीक है।